एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था किशन। वो गांव के जमींदार के खेत में काम करके अपना घर चलाता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और दो छोटे बच्चे थे। खेती के काम से मिलने वाली मजदूरी में वो जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। किशन के घर के हालात पहले से ही ऐसे नहीं थे। किशन का खुद का भी एक खेत था जिससे उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे। उसके पिताजी बीमार हो गए और उनके इलाज के लिए उसे वो खेत बेचना पड़ा, और इसलिए वो जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। ऐसे ही एक दिन खेत में काम करते हुए उसका कुदाल खेत में किसी धातु के वस्तु से टकराया। किशन को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कहीं खेत में पुरखों का गड़ा हुआ खजाना तो नहीं मिल रहा। ये सोचकर किशन ने उस वस्तु के आजू बाजू की मिट्टी हटाकर वो वस्तु को गड्ढे से बाहर निकाला। वो वस्तु एक धातु का पतीला था। पतीले को देखने के बाद किशन बहुत दुखी हो गया। कैसा खजाना और कैसा क्या मिला, क्या तो ये खाली पतीला। जाने दो, नसीब मेरा। धूप तो बहुत ही है, अब थोड़ा खाना खा लेता हूँ और थोड़ी देर सोता हूँ। ये कहकर निराश हुए किशन ने अपना कुदाल उस पतीले में फेंक दिया। उसके बाद किशन ने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर दोपहर का खाना खाया और थोड़ा आराम किया। थोड़ी देर बाद किशन ने सोचा, चलो फिर से काम शुरू करना चाहिए। अपना कुदाल लेने के लिए किशन पतीले के पास गया तो उसने कुछ अजीब सा देखा। किशन ने तो पतीले में बस एक ही कुदाल डाला था, लेकिन अब पतीले में बहुत सारे कुदाल दिख रहे थे। ये चमत्कार है या मेरा वहम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब किशन ने उसके पास जो टोकरी थी वो टोकरी पतीले में डाली। देखते देखते उस पतीले में बहुत सारी टोकरियां दिखाई दी। अब किशन को यकीन हो गया कि ये पतीला कोई साधारण पतीला नहीं बल्कि जादुई पतीला है। वो बहुत खुश हो गया और वो उस पतीले को अपने घर ले आया। किशन उस पतीले में जो भी चीज डालता उस पतीले में उस जैसी बहुत सी चीजें बन जाती थी। फिर किशन उन चीजों को बाजार जाके बेचता था और बहुत सारे पैसे कमाता था। ऐसे करते करते किशन बहुत अमीर हो गया। फिर किशन ने कुछ गहने भी खरीद लिए और उसने जब वो गहने पतीले में डाले उसे बहुत सारे गहने मिल गए। किशन ने वो ज्यादा मिले हुए गहने बाजार में जाकर बेच दिए। अब किशन और भी अमीर हो गया। किशन का पड़ोसी था मोहन। किशन अचानक अमीर होने से मोहन किशन से जलने लगा था। इतने कम दिनों में किशन इतना अमीर कैसे हो गया? इसके पीछे जरूर कोई राज है, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। फिर मोहन ने किशन पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में ही मोहन को जादू के पतीले के बारे में मालूम हुआ। मोहन तुरंत ही जमींदार के पास गया और उसने जमींदार को जादुई पतीले की पूरी कहानी सुनाई। मोहन, ये जो बोल रहे हो वो सब सच है ना? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर जमींदार तुरंत ही किशन के घर आए और पूछा, क्यों रे किशन, मोहन बता रहा है कि तेरे पास एक जादुई पतीला है, कहाँ से चुराया रे? अरे नहीं 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 सरकार, मैं ये चुरा कर नहीं लाया, मुझे ये खेत में काम करते हुए मिला। अगर ये तुझे खेत में मिला है तो ये पतीला मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो जमीन मेरी है। ला दे वो पतीला, मैं उस जादुई पतीले को अपने पास रखूंगा। किशन बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार उसकी एक भी बात सुनने को राजी नहीं थे। जमींदार ने वो जादुई पतीला लिया और वे अपने घर चले गए। फिर जमींदार ने भी उस जादुई पतीले से बहुत सारे गहने
और बहुत कीमती चीजें पाई और उन्हें बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे भी कमाए। अब ये सब बातें राजा तक पहुंची तो राजा ने तुरंत ही अपने सैनिक जमींदार के घर भेजे और वो सैनिक वो जादुई पतीला जमींदार से जबरदस्ती लेकर राजमहल पहुंचे। ये पतीला सच में जादू का है या नहीं इसे परखना होगा, ये कहकर राजा ने अपना ताज उस पतीले में डाल दिया। तुरंत ही एक ताज के बहुत सारे ताज बन गए। इतने सारे ताज देखकर राजा खुश हो गया तो राजा ने भी उस जादुई पतीले के मदद से बहुत सारे गहने और पैसे कमाकर अपना खजाना भर लिया। ये जादुई पतीला है इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पतीले के अंदर क्या होता है जिससे चीजें दो गुना से भी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है ये देखना होगा। मैं खुद उस पतीले के अंदर जाकर देखता हूँ। राजा उस पतीले में उतर गया, लेकिन वो एक बात भूल गया कि उस पतीले में जो भी रखा जाता वो दुगने से भी अधिक मात्रा में पाया जाता। जैसे ही राजा पतीले के अंदर गया तभी उसी वक्त जादुई पतीले से बहुत सारे एक जैसे राजा बाहर निकल आए। बाहर आते ही सब राजाओं में सिंहासन के लिए झगड़ा शुरू हो गया। मैं इस राज्य का असली राजा हूँ और तुम सब इस पतीले की जादू की वजह से बने राजा हो, इसलिए सिंहासन पर तुम्हारा किसी का भी हक नहीं है। मैं असली राजा हूँ, मैं बैठूंगा सिंहासन पर, तुम नहीं, मैं असली राजा हूँ। सुनो सब लोग, सिंहासन पर कौन बैठेगा इसका निर्णय हमारे बीच के युद्ध के बाद ही होगा, चलो तैयार हो जाओ। फिर देखते ही देखते उन राजाओं में सिंहासन के लिए लड़ाई छिड़ गई और उस घमासान लड़ाई में सब राजाओं ने एक दूसरे को मार दिया। लड़ाई में राज्य का असली राजा भी मारा गया और केवल इतना ही नहीं, इस लड़ाई में राजाओं के साथ जादुई पतीला भी टूट कर नष्ट हो गया। जल्दी ही ये खबर जमींदार और किशन दोनों को पता चली। हमने जादुई पतीले से सिर्फ लाभ लिया, परंतु राजा जी ने उस जादुई पतीले की अनावश्यक चिकित्सा की। कभी कभी बहुत ज्यादा चिकित्सा भी विनाश का कारण बनती है। गोपाल फिर से अपने खेत में काम करने लग गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में मेहनत से भागकर कभी फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है।